फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। आपने आलू और पालक की रेसिपी तो कई बार खाई होगी, लेकिन ये आलू पालक की नई रेसिपी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और स्नैक्स टाइम में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पालक और 4-5 आलू को एक साथ ही एक कुकर में डाल के बॉईल कर लिया। अब हम इस पालक को पीस लेंगे और आलूओं को छील लेंगे। उसके बाद पहले हम एक बॉल में या परात में 2 कप आटा लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसमें जो हमने पालक पीस के रखा था वो ऐड करेंगे। इसको फिर एक आटे जैसा डो लगा लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे ढक के रख देंगे। आलू लेंगे, जो हरा आलू वाले थे उनको मैश कर लेंगे। उसके बाद उसमें 2 से 3 हरी काट के डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे और एक प्याज ऐड को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पनीर काट के ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने जो लोई बना के रखी थी उसमें से एक लोई लेके उस पर सूखा आटा लगाएंगे और उसको अच्छे से बेलेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से बिल गया है, ये अच्छे से बिल गया है। अब हम से बिल गया है अब हम हमारे पास पैन होता है ना, उसका पैन का कोई भी कैप या कुछ ले लेंगे और उससे इसमें ऐसे होल कर देंगे। हमारा ये आधा हिस्सा जो बचा है इसके कॉर्नर पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ऐसे पानी टैप कर देंगे पूरे कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर, चारों तरफ। उसके बाद हमने जो मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐसे रखेंगे। और उसके बाद इसको ऐसे इधर से फोल्ड करेंगे। इसके कॉर्नर भी बंद कर देने हैं और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे ले आना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितना अच्छे से बना है। और इसकी ये दोनों पोर्शन जो है ये भी हमें बंद कर देंगे पानी लगा के। ऐसे ही हम दूसरे आटे की लोई को बेलेंगे और दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे, बिना होल वाला फोल्ड होना है। अगर आप पहले होल वाला फोल्ड कर देंगे तो उसमें से आलू निकल जाएगा जब आप इसको सेकेंगे। अब हम इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए चले जाएंगे और इसकी एजेस को बंद कर देंगे। देखिए, मैंने ये बना लिए हैं। अब हम आगे का में तेल डाल देंगे। फ्रेंड, आप इसको सैलो फ्राई और डीप फ्राई दोनों कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से दूसरा भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से सेकेंगे।
फ्रेंड आप चाहे इसको सेलो फ्राई कीजिए, चाहे डीप फ्राई कीजिए, और जैसे आप पराठा सेकते हैं तवे पे, ऐसे भी इसको सेक सकते हैं। ये अच्छे से सिक गए हैं। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको बाहर निकाल देंगे। अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद हम इसको ऐसे बीच से कट कर लेंगे। और इसको सर्व करेंगे। नाश्ते को बनाइए और बच्चों को एंजॉय कराइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।